नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सपन कुमार लो क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में ये बताया है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई मॉरल टेप्टीट्यूड के किसी मामले में FIR दर्ज हो जाती है, नैतिक अदमता के किसी मामले में FIR दर्ज हो जाती है, तब आप गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करने के लिए डिस एंटाइटल्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके खिलाफ़ कोई मॉरल टेप्टीट्यूड के किसी मामले में कोई FIR दर्ज हुई है, कोई न्यायालय में केस पेंडिंग है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ नैतिक अदमता के किसी मामले में कोई FIR दर्ज हो गई है, कोई केस न्यायालय में आपके खिलाफ पेंडिंग है, तो आप ऐसी कंडीशन में सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ नैतिक अदमता के किसी मामले में FIR दर्ज हो गई है, तो आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी। ये सरकार का रूल्स है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट की माने तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रूल्स भी बना रखा है कि अगर आपके खिलाफ IPC के चैप्टर 16 और 17 के अंदर अगर कोई FIR दर्ज हो जाती है, तो फिर आप सरकारी नौकरी राजस्थान के अंदर प्राप्त करने के लिए डिस एंटाइटल्ड हो जाते हैं। और अवतार सिंह के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना कोई रूल बना रखा है कैंडिडेट के सिलेक्शन के संबंध में, उसके कैरेक्टर के संबंध में, तो वह है स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए कंप्लीटली स्वतंत्र है। तो अगर आपके खिलाफ नैतिक अदमता के किसी मामले में FIR दर्ज हुई है, तो राज्य सरकारें पूरी तरह से फुली एंटाइटल्ड है आपको सरकारी नौकरी से डिसक्वालीफाई करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ भी ऐसे किसी मामले FIR दर्ज हो गई है और आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपको हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। और रिट पिटीशन दायर करके दोस्तों आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें आपका उस अपराध के साथ में किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। उस अपराध को करने में, उसके कमीशन में आपका कोई रोल नहीं है। आपको झूठा फंसाया गया है, किसी खुन्नस को निकालने के लिए फंसाया गया है। अगर आप ऐसा साबित कर देते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस बताना चाहता हूँ। दोस्तों, केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गजेंद्र नारायण पाटीदार का। इस केस के अंदर दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने कई रिट पिटिशनों को एक साथ डिसाइड किया है। तो इसी रिट पिटिशन में एक केस डिसाइड किया है महेंद्र सिंह राठौड़ जी का। महेंद्र सिंह राठौड़ जी ने एक एग्ज़ाम दिया था, जिसमें वो क्लियर हुए थे सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। और जब इनका सिलेक्शन हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो पुलिस वेरिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि इनके खिलाफ मॉरल टेप्टीट्यूड के मामले में FIR दर्ज हो रखी है, जिसमें न्यायालय में चालान भी पेश हुआ था और केस न्यायालय में पेंडिंग है। इनके खिलाफ 420 IPC में, 467, 468, 471 IPC में और 120 भी IPC में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमे धोखाधड़ी के हैं और झूठे दस्तावेज बनाने के हैं, और झूठे दस्तावेजों को असली दस्तावेज के रूप में यूज़ करने के हैं, और ये काफ़ी गंभीर अपराध होते हैं। दोस्तों, मॉरल टेप्टीट्यूड की श्रेणी में आते हैं और इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस के बारे में। इस केस में ये हुआ कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको सिलेक्शन होने के बावजूद भी, मेरिट में आने के बावजूद भी, सरकारी नौकरी देने से इनकार कर दिया। तब इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला दिया, महेंद्रपाल जी के फेवर में जजमेंट दिया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप महेंद्रपाल जी को नौकरी दें। सिंगल बेंच के इस जजमेंट के खिलाफ राज्य सरकार डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच में भी राज्य सरकार को मुँह की खानी पड़ी और महेंद्र सिंह जी के फेवर में जजमेंट आया। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने फिर से पुनः आदेश किया कि आप महेंद्र सिंह जी को इस नौकरी को दें। इस केस में ये हुआ दोस्तों कि जो महेंद्रपाल जी थे, इनकी बहन का नाम था कैलाशा। कैलाशा का अपने पति के साथ में घरेलू विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था,
जिसके कारण श्रीमती कैलाशा ने अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। दोस्तों इस केस के अंदर जो कैलाशा के हस्बैंड है उनका नाम रतनलाल था और कैलाशा के जो पिता हैं उनका नाम भी रतनलाल था, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए अपन दामाद और ससुर जैसे शब्दों का यूज करेंगे। दोस्तों इसमें जो कैलाश ने अपने पति रतनलाल के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था और शादी के टाइम पर कैलाश के जो पिता हैं कैलाशा के जो पिता हैं रतनलाल जी, उन्होंने अपने दामाद रतनलाल को एक कार गिफ्ट की थी। अब क्योंकि दोनों पति पत्नी में डिस्कॉर्ड चल रहा है, विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, इसलिए कैलाशा ने अपने पति से जो कार गिफ्ट में दी गई थी उसको वापस मांग लिया और जो पति रतनलाल है दामाद रतनलाल है उसने अपने ससुर रतनलाल को ये जो कार थी पुनः वापस लौटा दी और मोटर व्हीकल एक्ट के धारा 2930 का फॉर्म भर करके इस फॉर्म को लौटाया, इस कार को लौटाया, जिसके कारण जो दामाद रतनलाल से ये कार ट्रांसफ़र होकर के ससुर रतनलाल के पास ट्रांसफ़र हो गई। बाद में दामाद रतनलाल ने अपने ससुर के खिलाफ, अपने सास के खिलाफ, पत्नी कैलाशा के खिलाफ और साले महेंद्र सिंह के खिलाफ जो इस केस में पिटिशनर था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया फोर्जरी का। उसका ये कहना था कि मैंने कोई कार ट्रांसफ़र नहीं की है अपने ससुर के नाम पर, ये 2930 नंबर के फार्म जो हैं ये ससुर ने, उसकी पत्नी ने, साले ने, सास ने कॉन्स्पिरेसी रचते हुए, षड्यंत्र रचते हुए मेरे फर्जी सिग्नेचर करके इस कार को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाया है। तो इस प्रकार के एक फॉर्जरी की FIR उन्होंने, रतनलाल जो दामाद है उन्होंने अपने ससुर के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने साले के खिलाफ दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस केस के अंदर FIR लगा दी थी। बाद में जो दामाद रतनलाल हैं उन्होंने प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की और केस फिर से रीओपन हो गया। और जब इन्वेस्टिगेशन फिर से रीओपन हुई तो फिर पुलिस ने केवल इतना ही काम किया कि जो एडमिटेड सिग्नेचर हैं दामाद रतनलाल के और जो 2930 नंबर फॉर्म के ऊपर जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है और जो ससुर है रतनलाल ससुर, उनके जो एडमिटेड सिग्नेचर हैं उनके स्पेसिमेन लिए और FSS से जांच करवाई और FSS से जांच करवाने पर पता चला कि जो दामाद के जो सिग्नेचर हैं वो फर्जी हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जो चार्जशीट पेश कर दी इस मामले में। तो चार्जशीट चारों के खिलाफ पेश हो गई, पत्नी कैलाशा के खिलाफ, ससुर रतनलाल के खिलाफ, सास के खिलाफ और साला महेंद्र सिंह जो कि इस मामले में पिटिशनर है उसके खिलाफ चार्जशीट पेश होगी और न्यायालय में केस चल पड़ा। और इसी केस के रिवील होने से गवर्नमेंट को पता चलने पर कि भाई महेंद्र सिंह के खिलाफ इस प्रकार का जालसाजी का मुकदमा चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको नौकरी देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस रिट पिटिशन में पाया कि महेंद्र सिंह का इस क्राइम को करने में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था, ना तो इनके कोई, इन्होंने कोई फर्जी सिग्नेचर मारे हैं 2930 नंबर फार्म पर, ना वो मौजूद थे, कुछ भी नहीं। केवल उनका नाम FIR में इसलिए दर्ज करवा दिया गया कि क्योंकि इनकी बहन ने अपने पति के खिलाफ यानी कि इनके जीजा के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी खुन्नस को मिटाने के लिए इन्होंने न केवल ससुर के खिलाफ ये जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि उसमें साले का नाम भी झूठा घसीट लिया। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना कि भाई इनका जो नाम है वो झूठे घसीट दिया गया है खुन्नस मिटाने के लिए और इनका क्राइम की कमीशन में कोई रोल नहीं है, कोई इनके खिलाफ पत्रावली पर कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि इनको क्राइम के साथ जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट में इनकी जीत हुई महेंद्रपाल जी की और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि भाई इनको ये सरकारी नौकरी दे दी जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके खिलाफ भी कोई मॉरल टर्पिटूड के मामले में FIR दर्ज हुई है, कोई चालान पेश हुआ है और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तब आप भी हाईकोर्ट के अंदर, सॉरी अगर आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है मॉरल टर्पिटूड के किसी मामले में और आपको लगता है कि आपको झूठा फंसाया गया है,
और कोई लिंक आपका उस क्राइम के साथ नहीं है, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में जब आपकी इस क्राइम के बारे में राज्य सरकार को नॉलेज होगी, तो अगर उनको लगता है कि आपके क्राइम के कमीशन में आपका कोई रोल नहीं है, आपका नाम झूठा फंसाया गया, तो राज्य सरकार आपको नौकरी दे देगी। अगर वो नौकरी नहीं देती है, डिनाई करती है आपको नौकरी देने से, तब आप हाईकोर्ट के शरण ले सकते हैं और हाईकोर्ट में ये साबित करके कि भाई आपका इस क्राइम को करने में कोई रोल नहीं था, आपका नाम झूठे ही डाला गया है और आपके खिलाफ एक वैग झूठी चार्जशीट पेश कर दी गई है, ऐसा साबित करके आप न्यायालय से अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं और राज्य सरकार आपको जो हाईकोर्ट है वो राज्य सरकार को आदेश दे देगी कि आपको ये सरकारी नौकरी दी जाए। दोस्तों आज का ये केस आपको कैसा लगा? आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती है, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।